की कोरी ये पर रे सो क्योंकि धर्म रया मगा ये तस्वीरें सिरसा लोकसभा के गांव कालवन की है। कालवन में देख सकते हैं जोरदार स्वागत बहन कुमारी शैलजा का किया जा रहा है। तो बिल्कुल जोरदार स्वागत के साथ में उनका जो गांव में स्वागत हुआ है, जो गांव में एंट्री हुई है, तो एंट्री पर ही फूल मालाओं के साथ में पुष्प वर्षा के साथ में उनको यहाँ गेट तक लाया गया। तो ये माता गेट के पास में ये प्रोग्राम है, तो जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो बिनैन खाप की बेटी है और कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी चला हुआ था कि बिनैन खाप में पहली बार इनेलो ने संदीप लोट को टिकट दी है, लेकिन ये भी बिनैन खाप की बेटी है। जो प्रभु वाला गांव है वो बिनैन खाप में आता है, तो ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और जो भीड़ देख सकते हैं कितना ज़ोरदार स्वागत जो सिरसा लोकसभा प्रत्याशी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है कुमारी शैलजा का किया जा रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और अभी इनको देखिए लड्डुओं में तोला जाएगा, ये कांटा आपको दिखाई दे रहा है। तो साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों साथ में आए हुए हैं, तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट के गांव में यानी उनके पैतृक गांव में जोरदार स्वागत किया गया है, जोरदार भीड़ दिखाई गई है, प्रदर्शन है, रोड शो है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद है जो नरवाणा में जो उद्घाटन किया जाए, नरवाणा में जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, तो देख सकते बड़ी फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि जो इनेलो प्रत्याशी यहां से संदीप लोट गांव कालवन की ये तस्वीरें हैं, तो यहीं से प्रत्याशी है, वो सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी है, तो उनका पैतृक गाँव है यहाँ पर, जो जोरदार जो कुमारी शैलजा का स्वागत किया गया है। अगर सुबह की बात करें तो इसी गांव कालवन में अशोक तंवर जी आए हुए थे, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका यहां विरोध देखने को मिला, काले झंडे दिखाए गए हैं। तो ये तस्वीरें गांव कालवन की है। छत्तीस बिरादरी, एक एक किसान, एक एक गरीब, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक मजदूर, तैयार हो जाइए एक नया इतिहास लिखने के लिए। आइए हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से शैलजा जी को जिताकर, और खास तौर से सिरसा में भी नरवाणा से सबसे ज्यादा मतों से जिताकर शैलजा जी को सबसे बड़ी पंचायत में भेजें, और फिर ये मौका मिले कि ये देश की सरकार भी चलाएं और अपने इस इलाके की तदबीर और तस्वीर भी बदलें। सारे गांव का, गवांडी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, मेरे बुजुर्गों का, काका ताऊओं का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलजा जी से दरखास्त करूंगा कि वो वोट की अपील करें। हमारे भाई आप सबका इतना प्यार और इतना उत्साह देखो, मुझे लग रहा है जो भाई रणदीप जी कह रहे हैं वो शायद आप सब साबित करने वाले हैं। भाई रणदीप जी की जन्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है, इनका अपना घर है, अपना खून है, और मुझे जी भर के इलाके की सेवा की, कोई कसर नहीं छोड़ी थी साथियों, लेकिन जब से ये हल्का
आरक्षित हुआ, जो भी राजनीति बदली, प्रदेश में बदली, देश में बदली। लेकिन साथियों अब फिर मौका है, ये समय आ गया है जब हम सबको सोचना पड़ेगा, मेरे इन नौजवानों को सोचना पड़ेगा, मेरी इन माताओं बहनों को सोचना पड़ेगा, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ेगा। साथियों मेरी बहनों, आने वाला समय बड़ा चुनौती का समय है। 25 मई तक हमने हर जगह अपना पूरा सरसा हरिका नरवाना से लेकर एलनाबाद कपाली लंबा चौड़ा हल्का, मेरे पास, मेरी बहनों मेरे पास केवल 2 दिन मिलेंगे नरवाना के लिए, सिर्फ 2 दिन। तो मुझे मालूम है और शैलजा बनकर सबके आगे हाथ जोड़ के नरम हो के वोट मांगेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे और मुझे अपना नुमाइंदा बनाएंगे, बनाएंगे क्या? पहले जो आपकी सेवा में बीच में जो एक गैप आ गया रणवीर जी के बाद, तो हम मिलकर इलाके की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने जो इतना प्यार दिखाया है, ये पगड़ी पहनाई है, इस पगड़ी की कदर करना मैं जानती हूँ, इस पगड़ी की कदर मैं करूंगी, कभी आपके नाम पर आँच नहीं हम आने देंगे, कभी नहीं। मैं आपका इतना प्यार और आशीर्वाद आपने जो दिखाया है आज, मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमको देखो शैलजा जी, तो हमारे शैलजा जी के रगों में हमारा खून दौड़ता, हमारी बिटिया इलाके की बेटी, मेरी बड़ी बहन, तो इसलिए जुगले टोपी भी देंगे, पगड़ी भी देंगे, प्यार भी देंगे, स्नेह भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और मुझे पता है कि ईमानदारी की जो राजनीति आप करती हैं उसको आगे भी बढ़ाएं। आज बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। सभी साथियों से प्रार्थना के बैठने का काम करें। हमारे बीच में सतपुर सबलार जी, रीता रानी त्रिवेदा जी, सतन जी, रामेश त्रिवेदा जी, अब मैं प्रार्थना करूंगा सब